हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सृष्टि किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे बचे हुए चावल को कैसे फ्राई करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चावल लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चावल ताजा बना के लिया है और यहाँ पे मूंगफली है, हरी धनिया, काली मिर्च, जीरा, टमाटर, प्याज, मिर्ची, नमक। तो फ्रेंड्स, अब चल रहे हैं हम इसको फ्राई करने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मूंगफली डालूंगी और अच्छे से फ्राई करूंगी इसको। धीमी आंच पे हम एक से दो मिनट तक इसको भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, मूंगफली अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मखाना और काजू को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ब्राउन तक में से फ्राई करना है। तो फ्रेंड, मखाना और काजू अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको हम बाहर निकालेंगे। इसके बाद हम इसमें जीरा, काली मिर्च डालेंगे। तो अब इसके बाद हम प्याज डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम टमाटर डालेंगे। इसमें हम हल्दी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और दो मिनट ढक कर हम इसे अच्छे से पकाएंगे। इसको हम ढक कर एक मिनट छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम मटर डालेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रोजन मटर लिया है, इसको एक से दो मिनट में पकाना है। तो फ्रेंड्स, मटर अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें हम चावल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। चावल को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक से दो मिनट तक हम अच्छे से इसको पकाएंगे।
तो फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि इसमें पहले से नमक डाल चुके हैं। इसके बाद हरी धनिया थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे। इसके बाद मूंगफली डालेंगे। इसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे हम और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है। तो फ्रेंड मैंने चावल फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। आप इसको बना सकते हैं और अगर आपको पसंद आता है तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।